मैडम आप कभी कुंभलगढ़ का विजिट करना, उन पहाड़ों के अंदर बिचारों के पैर में जूते पहनने के नहीं होते, कपड़े नहीं होते, और स्कूल जाते हैं जो कभी पैर फटी हुई कपड़े फटे हुए, ऐसी है हमारे कुंभलगढ़ के आदिवासियों की हालत। फिर भी मैडम आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके कुंभलगढ़ एरिया को और खमदौर को और राजसभा जिले की कुछ राजसभा तहसील की कुछ पंचायत बाहुल्य कुछ राज्य से गांव उनको ट्राइबल क्षेत्र घोषित कराएं। मैडम आपसे नम्र निवेदन है, लोग तो बहुत कहते हैं कि तुम आदिवासी पढ़ाई नहीं करते हो, नौकरी नहीं लगते हो। मैडम मैं खुद की बात करता हूँ, मैं खुद खुद किसान का बेटा हूँ, आपको विनती बताता हूँ कि एक बच्चा एक आदिवासी की एक झोपड़ी होती है जिसके अंदर माँ बहन होती है, पिताजी होते हैं, एक लड़का होता है, और वो बच्चा सुबह उठकर खेत पर जाता है, खेत पर बकरियों को चारा लाता है, घर पर नहाता है, फिर हाथ पग पैर धोकर और स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद वापस घर आता है, खेत का काम करता है, घर का काम करता है, और फिर वो पढ़े कैसे करेगा मैडम मुझे यहाँ बताइए। आधा काम तो घर के अंदर रह जाता है, और फिर आप कहते हो लोग कहते हैं सरकार के लोग कहते हैं कि आप पढ़े नहीं करते, फिर हमारे नौकरी लगे, हम पहले से ही गरीब लोग हैं, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है हम पढ़े नहीं कर सकते। मैडम आपसे नम्र निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके राजसमंद जिले को और जो तहसील है बाहुल्य उनको ट्राइबल क्षेत्र घोषित किया जाए, और जिला मुख्यालय पर जो हॉस्टल बनाए छात्रावास और लड़कियों का है मैडम, पर जो कॉलेज स्थित छात्रावास है जिसमें हमारा भाई आईटीआई पॉलिटेक्निक बीए बीकॉम जो कर सके उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था की जाए। और मैडम मैं आपको हम कम से कम आज 10 दिन इस विधानसभा चुनाव में हो चुके हैं, मैं और रामाता जी भाई साहब कम से कम पूरी विधानसभा का चक्कर काट चुके हैं, और भील समाज का ऐसा कोई भी गांव नहीं है जिसमें हम नहीं घूमे। इस राजसभा तहसील से कम 70,000 वोट है भील समाज के, जिनमें से 20,000 वोट गाँव है। दूसरी बात, दो हॉस्टल, एक तो फुटबॉल के अंदर और एक जिला मुख्यालय पर 50,000 पर लड़कियों का हॉस्टल खोला। कौन कहता है आसमान में छुरा नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमान में छुरा नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछाला।